की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ब्लॉग वेबसाइट में बिना पोस्ट लिख के या फिर पब्लिश करके पैसा कैसे कमाया जाता है। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आइडिया देने वाला हूं जिससे आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में बिना पोस्ट करके आप बैठे बैठे गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेके पैसे कमा सकते हो। और इन वेबसाइट में आपको मिलियन की डेली की यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलने वाले हैं। इस टाइप के ब्लॉग वेबसाइट बना के लोग जो है कमा रहे हैं, और ऑलरेडी आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा इन वेबसाइट में क्या ट्रैफिक आ रहा है और इनकी वेबसाइट में क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है या फिर नहीं देता है, सारे डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत दास है, आप देख रहे हो टैग करो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटी को दबा के ऑल बटन में क्लिक कीजिए। चलो फिर आप चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन में, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ पूरे डिटेल इन वेबसाइट में क्या मिलियन की ट्रैफिक आ रहा है और इन वेबसाइट में कैसे काम करते हैं लोग और इन वेबसाइट में क्या गूगल एडसेंस अप्रूव देता है या फिर नहीं देता है। चलो भी चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन में। जैसे कि दोस्तों हमारी लैपटॉप स्क्रीन में आ चुके हैं, तो मैं आपको ब्लॉग की ऐसे कुछ आइडिया देने वाला हूं। अगर आप न्यू ब्लॉग स्टार्ट करना चाहो तो ये आइडिया आप जो है अपनी ब्लॉग में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो है आइडिया है वन टाइम आपको अपने ब्लॉग में मेहनत करना है और उसके बाद आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेके आपका जो है अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा और इनमें जो है मिलियन की ट्रैफिक आता है पर डे की। तो ये आइडिया कौन सा है, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको जो है कुछ वेबसाइट दिखाने वाला हूँ और इन वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है और इनकी मंथली ट्रैफिक क्या है वो सारी चीजें जो है बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर वेबसाइट है वो है आपका ezgf.com। तो ये वेबसाइट एक्चुअली क्या करता है, ये वेबसाइट करता है आपकी जैसे कि jpg या फिर png फाइल है तो उनको webp में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके वीडियो भी है फिर भी ये webp में कन्वर्ट कर देगा। gif फाइल भी है तो ये भी वो चीजें करता है, ठीक है। उसके बाद रिसाइजेज, अगर इमेजेस वगैरह रिसाइजेज करना है, क्रॉप करना है, कट करना है, तो सारी चीजें इफेक्ट वगैरह डालना है, तो ये सारी चीजें काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एड चल रहा है, एक 5-star की जो है एड चल रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये एड जो है गूगल एड्स से है। तो यहाँ पे माउस लेके एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हो एड्स बाय गूगल, ठीक है। ये एड जो है गूगल है और ये वेबसाइट जो है गूगल एडसेंस से मोनेटाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो इस वेबसाइट की एक बार ट्रैफिक भी देख लेते हैं, और इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है यहाँ पे देखो ग्लोबल रैंक जो है, ठीक है, 6030 है और कंट्री रैंक है 4116 है। अगर आप इसके नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मंथली जो है विजिट इसके दिखेगा 7.50 मिलियन। तो काफ़ी इसकी ट्रैफिक अच्छा है और पेज जो पर पेज विजिट है 5.77, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसकी विजिट है और इसकी वेबसाइट की अगर अर्निंग की बात करें तो काफ़ी अच्छे अर्निंग कर रहा है। तो ये चीज़ें इस टाइप की अगर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें क्या है, आपको वन टाइम जो है मेहनत करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो वन टाइम आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। बाकी ये जो एक जो है ये जो फॉर्मेट आता है जो चूज फाइल वगैरह ये थोड़ा सा आपको सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो काम करते जाएगा। और यहाँ पे देखोगे कोई भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ ये कुछ कैटेगरीज देखे रखा है, मेनू वगैरह देखे रखा है और इससे अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस वेबसाइट में पोस्ट कोई भी पोस्ट डेली की वाइज पोस्ट नहीं होता है। दूसरा जो वेबसाइट आता है वो है फाइंड एंड ट्रैक। ये वेबसाइट क्या करता है, अगर आपका मोबाइल नंबर अगर किसी की मोबाइल नंबर की अगर लोकेशन जानना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो। ये वेबसाइट भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई ब्लॉग इस टाइप की ऐसे डेली बाई पोस्ट वगैरह नहीं डालते हैं। यहाँ पे आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो, लैंडलाइन को, फाइंड लॉक, पिन कोड वगैरह, बल्क SMS, STD कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस वेबसाइट में आप कर सकते हो। ये सेम चीजें है जो इस वेबसाइट में देखा है, यहाँ पे इसकी सिर्फ कैटेगरी चेंज हो गया, ठीक है। ये JP ये इमेजेस वगैरह जो है ये एक टेक्नोलॉजी में आ गई है, ठीक है। और दूसरा वेबसाइट वो भी सेम ही है, मोबाइल ट्रैकर है, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर अगर आप डालोगे तो आपके मोबाइल नंबर की लोकेशन क्या है वो सारी चीजें बता देगा, ठीक है। इस वेबसाइट की पहले इस वेबसाइट की एक बार ट्रैफिक दिखा देता हूँ आपको क्या है। इस वेबसाइट की अगर ट्रैफिक देखिए तो मंथली है 6,66,000, ठीक है। तो काफी अच्छा ट्रैफिक है इस वेबसाइट की भी, ठीक है। और दूसरा वेबसाइट इसका भी एक बार ट्रैफिक आपको दिखा देता हूँ, सेम चीज़ें सेम वेबसाइट है ये भी। तो इस वेबसाइट की एक बार ट्रैफिक देख लेते हैं, इसका भी 3,37,000 है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी तरह से काफ़ी अचीवमेंट है इस वेबसाइट के ट्रैफिक। तो ये अर्निंग काफ़ी अच्छा करते हो और यहाँ पे आप ऐड वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ऐड वगैरह चल रहा है जो कि गूगल से है। ये देखो यहाँ पे एड्स बाय गूगल है, इस वेबसाइट में अगर आपको ऐड दिखेगी सारे गूगल से ऐड है, ठीक है।
तो इसी तरह देखो यहाँ पे नीचे नीचे अगर आ करेंगे तो यहाँ पे देखो ऐड दिख गया आपको, ये जो ऐड चल रहा है ये गूगल से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके फाइंड बैंक आईएफएससी कोड डॉट कॉम, ठीक है। ये वेबसाइट भी सेम चीज़ें करता है, ये क्या करता है बैंक की सब चीज़ें सिस्टम वाइज सेम है, वन टाइम की मेहनत है इनमें। और ये जो है फाइंड क्या करता है आपको यहाँ पे जाकर सिलेक्ट आपकी बैंक जो भी है, उसके बाद आपको लोकेशन स्टेटस वगैरह जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो ये वन टाइम की मेहनत है, और बाकी जो है ये आपका डेली बेस जो है आपकी यहाँ पे विजिट करेगा लोग वगैरह। अगर इस वेबसाइट का अगर ट्रैफिक देखे तो इसके ट्रैफिक काफ़ी हाई हो सकता है, क्योंकि ये बैंक की रिलेटिव की है तो इसकी ट्रैफिक 1.19 मिलियन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, और इसकी एवरेज ड्यूरेशन जो है एक मिनट करीब जो है ड्यूरेशन है, लोग अगर विजिट कर रहा है तो इसमें टाइम जो दे रहा है 1 मिनट करीब टाइम दे रहा है, तो इसकी काफ़ी अच्छा अर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो काफ़ी ऐड वगैरह है, यहाँ पे गूगल से ऐड है ये सारे। और दूसरा जो वेबसाइट है आईएफएससी कोड बैंक डॉट कॉम, तो ये वेबसाइट भी सेम है जिससे पहले आप भी देखा हमने, तो इस वेबसाइट के एक बार ट्रैफिक वगैरह देख लेते हैं। और इस वेबसाइट की ट्रैफिक है 2,16,000, तो इसके काफ़ी कम है लेकिन ठीक है। ऐसे वेबसाइट में अगर आप न्यूज़ कोई भी वेबसाइट अगर आप क्रिएट करते हो उसमें ट्रैफिक आना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें प्लस आपको मेहनत डेली बेस में करना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेस में काफ़ी 10 से 15 आपको डेली बेस में न्यूज़ वहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, जो भी नए नए लेटेस्ट न्यूज़ आता है वो सारे पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट में भी देखोगे आप यहाँ पे जो है गूगल एडसेंस से ऐड है, ठीक है। देखो यहाँ पे एड्स बाय गूगल है। और दूसरा वेबसाइट जो आता है वो है pincode.net.in है, ठीक है। ये वेबसाइट भी सेम करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको गूगल एड्स दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सर्च की सारे जो यहाँ पे एक आ गया, और ये सेम भी जैसे बैंक वगैरह आपने देखा वो सेम चीज़ है ये भी है। तो यहाँ पे भी वन टाइम की मेहनत है, और यहाँ पे आपको क्या करना है जैसे कि यहाँ पे स्टेटस डिस्ट्रिक्ट जिला वगैरह आपको सिलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड फाइंड करके देगा। इस वेबसाइट के एक बार ट्रैफिक देख लेते हैं, तो इस वेबसाइट के ट्रैफिक आपका है यहाँ पे 1.40 मिलियन, मतलब 2 मिलियन के आसपास है, और काफ़ी अच्छा एवरेज भी है 1.34 है एवरेज ड्यूरेशन है। इस वेबसाइट के पेज को अगर व्यू कर रहे कोई भी लोग पब्लिक, तो इसके ड्यूरेशन भी अच्छा है, तो अर्निंग भी अच्छा हो रहा है इस वेबसाइट से। और दूसरा वेबसाइट है calculator.net, यहाँ पे आपको काफ़ी तरह की कैलकुलेटर मिलेगा, परसेंटेज कैलकुलेटर, रैंडम का नंबर जनरेट, ठीक है। इस तरह से काफ़ी चीज़ यहाँ पे जो है मेनू है, और इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप करके रखा है। सिर्फ वन टाइम यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो कोई भी पोस्ट जैसे कि किसी कैलकुलेटर के बारे में पोस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिटनेस एंड हेल्थ भी है, फाइनेंशियल भी है, और अदर्स भी है, ठीक है। इस वेबसाइट के एक बार देख लेते हैं ट्रैफिक, और यहाँ पे अगर नीचे करेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा इसकी ट्रैफिक देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया, यहाँ पे सारी चीज़ें है स्टूडेंट के हिसाब से, यहाँ पे जो भी जैसे कि कैलकुलेटर हो या फिर फिटनेस हेल्थ भी है फाइनेंशियल भी है, तो इसकी देख सकते हो आप 25.80 मिलियन की विजिट मंथली बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक जो आपने वेबसाइट देखा सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक इस वेबसाइट में आ रहा है, तो इसकी ड्यूरेशन आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट करीब आसपास है इसकी, लोग बाग 3 मिनट की टाइम दे रहा है इस वेबसाइट में, और देख सकते हो इसकी तो इंप्रेशन कितना बढ़ रहा होगा इस इन एडोस एड में, ठीक है। ये गूगल एड से ही है, और इन एड्स में कितना इंप्रेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आप देख लो, आप कैलकुलेशन कर लो कितना पैसे मिल रहा होगा इस वेबसाइट ओनर को, ठीक है। दूसरा वेबसाइट आता है आपका सिंपल PDF, ठीक है। ये वेबसाइट भी ऐसे ही है, PDF अगर फाइल है तो उसको मर्ज करना हो या फिर कन्वर्ट करना हो किसी वर्ड वगैरह में, तो ये चीज़ें काम आता है। तो इस वेबसाइट में भी एक बार हम देख लेते हैं ट्रैफिक, तो इस वेबसाइट के भी अच्छा ट्रैफिक है 55.20 मिलियन, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक, और इसकी ड्यूरेशन 4 मिनट के आसपास है, ठीक है। तो काफ़ी भाई साहब इस वेबसाइट में तो काफ़ी पैसा कमा रहा है, और कुछ ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत नहीं है, वन टाइम की यहाँ पे जो है वन टाइम की सेटअप है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकायदा इन्होंने और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, फ्री ट्रायल भी है, अगर इसको प्रीमियम वगैरह लेने जाओगे तो उसमें भी आपको जो है पेड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से इसकी इनकम हो रहा है, एक तो गूगल एड से भी हो रहा है, और प्लस जो है इसके कुछ अगर कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन अगर कर रहा है कोई भी लोग, तो उससे भी पैसा आ रहा है इसकी, क्योंकि इसके 50 मिलियन करीब तो इसको ट्रैफिक है, और यहाँ पे देख सकते हो एड्स बाय गूगल है, ठीक है।
तो ये एड से भी इनकम कर रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ इन्होंने सर्विस देखे रखा है उससे भी पैसा कमा रहा है। ऑनलाइन कन्वर्टर डॉट कॉम, तो इमेजेस वगैरह ऑनलाइन में अगर कन्वर्ट करना है, पीएनजी वगैरह सेम चीज़ें हो रही है, साइजेस वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है, कलर वगैरह ग्रे करना हो, मेरून करना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रहेगा। ठीक है, इस तरह से काफ़ी और भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे एसटीप्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे साइड में आपको GIF to PNG, ठीक है, इस तरह से आपको, और यहाँ पे आपका एड चल रहा है। ठीक है, और इस वेबसाइट के अगर ट्रैफिक देखा जाए तो एक बार ट्रैफिक भी देख लेते हैं, तो 12.16 मिलियन जो है इसके ट्रैफिक है, और 4 मिनट का विजिट जो ड्यूरेशन है। ठीक है, ड्यूरेशन अच्छा है इसका भी और विजिट भी काफ़ी अच्छा है। कूल स्मॉल डॉट कॉम है, और इस वेबसाइट में क्या होता है, अगर आप कोई भी नाम वगैरह लिखते हो तो इसके फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाता है, जैसे कि इस टाइप के अगर आपको फॉन्ट चाहिए और इस टाइप का अलग टाइप के अगर फॉन्ट वगैरह चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये फॉन्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है और आप इसको फॉन्ट को कॉपी करके आपके व्हाट्सएप में फ्रेंड वगैरह को जो है आप दिखा सकते हो, मैं इस टाइप के फॉन्ट टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक फॉन्ट की जो है वेबसाइट है, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी तरह के ऐड वगैरह है रहा है, और ये सारे गूगल ऐड से ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा भी ऐड लगा हुआ है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा ऐड के अलावा यहाँ पे गूगल एड्स भी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखोगे तो गूगल एड्स भी है। ठीक है, और प्लस दूसरा ऐड भी इन्होंने लगा के रखा, तो दोनों तरफ से इन्होंने इनकम कर रहा है। एक तो भाई ये पता नहीं कौन सा वेब एड्स जो है इन्होंने अप्रूवल लेके रखा, और गूगल एड्स भी, तो इनकी काफ़ी अच्छा इन दोनों से भी कमाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम देखेंगे अगर ट्रैफिक की बात करेंगे इस वेबसाइट में, तो इस वेबसाइट में 2 मिलियन के आसपास जो है ट्रैफिक है। तो अब तक जितना भी वेबसाइट देखा हमने, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है। अगर आप इस टाइप की अगर ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो में 500 लाइक कर देना है, तो मैं आपको लेके आऊँगा ये इस टाइप की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मेट वगैरह है सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अगर इसी वीडियो में अगर 500 आपकी लाइक आ जाता है, तभी मैं बताऊंगा ये जितना भी है ये कैसे लगाते हैं, ये सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर पिन कोड वाला है तो ये भी मैं बता दूंगा कैसे आप सेटअप कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो मेरी वीडियोस में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको 500 लाइक करना है और कमेंट करके बताना है जो आपको इस टाइप की वेबसाइट बनवाना है। ठीक है, अगर आप न्यू ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे जरूर, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल घंटे को दबाकर ऑल बटन में क्लिक कर लेना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉचिंग करने के लिए।